संजू के ढाबे में आपका स्वागत है। इसी वक्त सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे साथ जुड़ें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाकर हर पल की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, संजूता ढाबा में शेफाली का सबको प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बनाना सिखा रही हूँ जो कि बची हुई चाशनी से बनेगी। ये जितना बनाने में आसान है उतना खाने में टेस्टी। तो चलिए बनाते हैं बची हुई चाशनी से शक्कर पारे। सबसे पहले मैंने लिया एक मिक्सिंग बोल, इसमें मैंने एक कटोरी आटा डाल दिया और इसी के साथ मैं इसमें चाशनी डाल दूंगी। साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल एक बड़ा चम्मच करीब डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि चाशनी में ही बहुत पानी होता है। इसका एक अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा, सॉफ्ट डो। आप चाहें तो इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जबकि वैसे जरूरत नहीं है। मैं इसमें थोड़ी सी सौंफ डाल दूंगी, सौंफ से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारा डो तैयार हो गया। इसको हम गोल गोल करके एक पेड़े की फॉर्म में बना लेंगे। अब हम लेंगे एक रोलर बोर्ड, इसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसको हल्के हाथ से हम बेल लेंगे और एक रोटी की शेप देंगे। ज़्यादा पतला नहीं बेलना, इसको थोड़ा मोटा ही रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी गोल रोटी तैयार है। अब हम इसको मनचाहा आकार दे देंगे। आजकल बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में कुछ अच्छा सा खाने का मन करता है, तो शाम की चाय के साथ स्नैक्स के रूप में आप इसे खाएंगे तो आपको ये बहुत टेस्टी लगेंगे और इनको बनाना भी बहुत आसान है। इसकी एक एक स्ट्रिप लेके काटेंगे तो ज़्यादा अच्छी शेप आएगी, नहीं तो सारा एक साथ मिक्स हो जाएगा। अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई और इनको सबको सेक लेंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल डाला, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पे कर देंगे और धीरे धीरे हम इसमें अपने ही शक्कर पारे डालते चलेंगे और इनको दोनों साइड से हिलाते हुए गोल्डन कलर का होने तक पकाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी हमारे पिंक कलर के हो गए हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हैं, अब इन्हें हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे शक्कर पारे सेक लेंगे। हमारे शक्कर पारे बनकर रेडी हैं। अब आप देख सकते हैं कितने खस्ता और कुरकुरे बने हैं। तो चलिए खाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो देखा फ्रेंड्स कितनी आसानी से हमारी रेसिपी तैयार हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमें लिखकर कमेंट जरूर करें। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।